सो दोस्तों, रैम्पेज हाइपरबुक का जो लास्ट रिवार्ड ग्लू वॉल था तो वो फाइनली मिल चुका है गाइज। तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारे इन गेम के अंदर आ चुका है, यहां पर देख सकते हो क्या यहां पर आ चुका है गाइस, ये वाला जो हाइपर बुक है वो फाइनली आ चुका है 100 डायमंड में। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, ये 100 डायमंड में आप सभी को मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पर चलिए मैं 100 डायमंड का टॉपअप करता हूँ और आखिर इसके अंदर कितने डायमंड्स लगने वाले। जैसे कि अगर आप इसका टॉपअप करते हो, 100 डायमंड का टॉपअप करोगे तब जाकर इतने कुछ मिलने वाले, मतलब साथ में गाइज देखने को मिले इतना कुछ आप सभी को दिया जा रहा है जो कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों। तो आप जो सोच भी नहीं सकते हो इतना कुछ दिया जा रहा है आप सभी को। यहाँ पर काफी ओपी ओपी रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी चलिए मैं टॉप अप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। उससे पहले यार चैनल पर नए होंगे ना तो यार सब्सक्राइब कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दे, अगर नहीं किया होगा अभी तक तो यार कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो यार। तो चलिए मैं यहाँ पर टॉप अप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आखिर कैसे क्या करना है दोस्तों। तो फाइनली हम यहाँ पर टॉप अप कर चुके हैं गाइस, चलिए हम यहाँ पर टॉप अप वाले इवेंट में चलते हैं। और यहाँ पर जो है हम टॉप अप है ऑलरेडी कर चुके हैं जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, 100 डायमंड का। ओके, तो यहाँ पर जो हाइपर बुक है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो अभी तक मैंने क्लेम नहीं किया है। अगर इसे टॉप अप करते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस, लैब वाले ऑप्शन में आओगे, हाइपर बुक वाले ऑप्शन में आओगे तो ये वाला जो बुक देखने को मिल रहा है ये आपका अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि देखने को मिल रहा है ये वाला जो अभी आपको लॉक देखने को मिल रहा है ना, ये आपको लॉक देखने को मिल रहा है, रैम्पेज हाइपर बुक अभी लॉक देखने को मिल रहा है, इसको अनलॉक कर सकते हो जैसे आप टॉप अप इवेंट को क्लेम करोगे। तो चलिए मैं यहां पर आया और टॉप अप इवेंट को चलिए मैं यहां पर क्लेम करता हूं। तो जैसे ही मैं यहां पर क्लेम किया और मैं वापस से चलता हूं यहीं पर लैब वाले ऑप्शन में, तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा गाइस यहां पर जो लॉक है वो फाइनली खुल चुका है। तो मतलब अगर आप 100 डायमंड का टॉप अप करोगे तब जाकर आपका ये जो लॉक है वो फाइनली खुल जाएगा दोस्तों, वो चीज मैं आप सभी को बता दूं। तो आप यहां पर से तो लॉक को आप ओपन कर सकते हो, वो चीज बता दूं। अब इसके अंदर चलते हैं गाइस, क्या करना है। अब इसके अंदर आओगे तो गाइस यहां पर बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। सबसे पहले अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है जो कि आप लोगों को क्लियर देखने को मिल रहा है, और यहां पर जितने भी रिवार्ड्स दिए गए ये सारे में आपको डायमंड्स लगने वाले। तो आपको मैं यहां पर टोटल यहां पर जो है रिवार्ड एक्सचेंज करके बताऊंगा कि आखिर कितने डायमंड्स वगैरह लगने वाले हैं। फिलहाल मेरे पास डायमंड 1000 डायमंड्स पड़े हुए हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहला जो रिवार्ड्स है वो अनलॉक करता हूँ। तो अनलॉक वाले पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर जो है फाइनली मिल चुका है गाइज बैकपैक। फाइनली गाइज ये बैकपैक मिल चुका ओनली 100 डायमंड में गाइस। जी हाँ, अगर आपके पास 100 डायमंड है तो फाइनली इस वाले बैकपैक को आप क्लेम कर सकते हो, जो कि बैकपैक सच में काफी ज्यादा ओपी लगा और ओनली 100 डायमंड में दिया जा रहा है तो यार काफी बेटर लगा मेरे को सच में यार, काफी ज्यादा लेजेंडरी बैकपैक है। अगर इसे पहन के दिखाऊं तो कैसा लगता है वो चीज चलिए बताता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो रिवार्ड है उसको भी मैं आपको यहाँ पर लेके बताऊंगा। फिलहाल चलता हूँ इधर और इधर कलेक्शन वाले ऑप्शन में आके और यहाँ पर बैकपैक जो है यहाँ पर फाइनली देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो चलिए मैं इसको लॉबी में लेके चलता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस काफ़ी ओपी है और इसका जो रंग है 5-5 सेकेंड में फाइनली बदलता है। बैकपैक काफ़ी बड़ा है बट काफ़ी कूल है गाइस, मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी लगा। दोबारा से चलता हूँ रैम्पेज हाइपर बुक के अंदर, इसके अंदर आ चुका हूँ गाइस। ओके, यहाँ पर आने के बाद दूसरा जो यहाँ पर ग्रेनेड का है स्किन है, इसको अनलॉक करने के लिए 20 टोकन्स की जरूरत पड़ने वाले। फिलहाल मेरे पास 5 टोकन है तो इसको बाई करने के लिए गाइज यहाँ पर मैक्स करते हैं तो 6000 टोकन्स लगने वाले हैं जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो गरीना अच्छे खासे डायमंड लूटने वाला है यार, ऐसा सीन लग रहा है मेरे को। दोस्तों फाइनली हमने ग्रेनेड का स्किन यहाँ पर भी अनलॉक कर लिया और यहाँ पर मैंने 2 स्पिन किया बट यहाँ पर कुछ निकला नहीं। बाकी चलते हैं गाइज और भी अपग्रेड करते हैं, मेरे पास डायमंड बचा हुआ है और यहाँ पर कैसे अनलिमिटेड टोकन्स मिलेंगे वो भी चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो गाइज सबसे पहले स्टोर में चले जाना है, तो स्टोर में जाने के बाद आपको आइटम्स वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा एक रैम्पेज, तो ये वाला तो बाई नहीं करना है। क्रिएट्स वाले ऑप्शन में चलते हैं तो इसको मैं बाई करता हूँ, परचेज पर क्लिक करता हूँ, पूरा हाई क्लिक करता हूँ, 11 यहाँ पर 11 जो है 11 बॉक्स को खोलता हूँ, 30 डायमंड का यहाँ पर है तो इसको चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ अनलॉक और इसको फाइनली खोलता हूँ गाइज। फाइनली यार क्या लक है भाई, बेकार सा, छी बड़ा घटिया भाई, सच में बहुत ज़्यादा घटिया लक है यार, इतना ज़्यादा घटिया भाई नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ है तो चलिए ये चीज़ को अनलॉक कर लेते हैं। ये हमारा फाइनली है ग्रेनेड का, ग्रेनेड का स्किन नहीं है, ग्लू, अरे ग्लू वाल नहीं है, अरे लूट बॉक्स है भाई, सॉरी सॉरी। तो चलिए मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ फाइनली दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 25 टोकन लगा और ये हमारा अनलॉक हो चुका है गाइज। तो ये भी लूट बॉक्स काफ़ी बेटर है, मेरे को अच्छा लगा। बाकी चलिए आगे और बताते हैं, तो इसको भी मैं इक्विप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चाहिए दोस्तों हमको यहाँ पर ये चीज़,
ये वाला चीज़ चाहिए दोस्तों, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला ग्लू वॉल, जो कि यार सच में ग्लू वॉल सबको चाहिए होता है यार। ग्लू वॉल मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो चलिए मैं उस पर ट्राई करता हूँ स्पिन करने का। यहाँ पर किसी का मैसेज आया तो वो पहले चेक कर लेता हूँ क्या मैसेज किया। हेलो ब्रो, गिल्ड में ले लो। भाई रुक जाओ यार, थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र कर लो। तो यहाँ पर चलते हैं फिर से क्रिएट्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर फिर से मैं बाय करता हूँ। कितना बाय करो यार, 10 बाय करता हूँ, 10, 20। अच्छा अगर इससे 21 बाय करूँगा तो 100 का मिलेगा डिस्काउंट। ओके, अगर मैं यहाँ पर 11, 100 डायमंड का डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं यहाँ पर इतना का करूँ तो, 100 डायमंड का। और मेरे पास डायमंड कितने बच रहे हैं, तो यही वाला करने में फ़ायदा है ना, 100 डायमंड का डिस्काउंट मिल रहा है। 420 डायमंड ऐसे लगेगा, ऐसे 460 डायमंड लगेगा। तो 13 गाइज यहाँ पर से, अगर आप यहाँ पर क्रिएट्स बाई कर रहे हो ना, तो आप 13 क्रिएट्स बाई करना, इससे कि आपका 100 डायमंड डिस्काउंट जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अगर आप 12 क्रिएट्स ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर 460 डायमंड लगने वाला है, 13 क्रिएट्स अगर बाई करते हो तो 420 डायमंड लगेगा, मतलब आपको प्रॉफिट होने वाली है यहाँ पर से। तो चलिए मैं यहाँ पर से फिर से क्रिएट्स को बाई कर लेता हूँ। तो बाई मैंने कर लिया है, और यार थोड़ा सा यार सच में आप उनकी किस्मत कितनी घटिया यार, कुछ निकलता ही नहीं भाई। चलिए वॉल्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं और खोलते हैं बॉक्स को। तो ऑलरेडी मेरे पास 22 टोकन पड़े हुए हैं। अच्छा 22 टोकन तो वो पहले से है, अब यहाँ पर टोकन्स है। तो फाइनली चलिए मैं ओपन करता हूँ। 6 ओपन किया तो 7 गाइज काफ़ी अच्छा है। ओके फिर से मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, 7 को ओपन कर लेता हूँ तो 4, 8 काफ़ी बेटर है, सही है भाई। भाई हमको लग रहा है हो गया यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अब तो यहाँ पर अनलॉक हो जाना चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो अब यहाँ पर फाइनली देख सकते हो गाइस 94 टोकन्स मेरे पास हो चुके हैं। आपको मैं बता दूँ गाइस, यहाँ पर 12 क्रिएट्स मत बाई करना, 13 क्रिएट्स बाई करना, जिससे कि आपका प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। ओके ना, क्योंकि यार देखो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी का प्रॉफिट हो यार, आप सभी का हेल्प हो सके, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके तो चलिए मैं ग्लू वॉल फाइनली देख सकते हो, ये मिल चुका है गाइस। फाइनली ये ग्लू वॉल का स्किन हमें मिल चुका है, जो कि यार सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। बट इसको भी इक्विप कर लेते हैं, बट उससे के बाद यहाँ पर आता है कटाना का स्किन। तो कटाना का स्किन भी यार सच में काफ़ी ज़्यादा डायमंड लग जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कई सारे लोग पूछ रहे थे ये इवेंट कब तक रहेगा। तो गाइज ये जो अपग्रेड वाला करने वाला ऑप्शन है ना, ये हमेशा के लिए रहेगा, टेंशन ना लो, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर जितना ज़्यादा आप स्पिन करोगे, मतलब 1, 2, 3, 4, यहाँ पर मैंने 4 स्पिन किया, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर दो बार मैंने ऑलरेडी पहले स्पिन कर दिया था। मतलब जितना अनलॉक करेगा, मतलब 4 चीज़ें को मैंने अनलॉक किया, उतना बार आपको यहाँ पर आपको स्पिन करने का ऑप्शन जाएगा। अगर आपका लक हुआ ना, तब जाकर गाइज आपको यहाँ पर ग्लू वॉल मिलने वाले। चलिए मैं यहाँ पर अपना लक आजमाता हूँ, आखिर देखता हूँ ग्लू वॉल तो मिलेगा नहीं, पक्का तो नहीं मिला। और फिर से मैं एक स्पिन करता हूँ तो इस बार भी नहीं मिलेगा, तो देख सकते हो। ओके तो फाइनली गाइज, अगर आपको ये वाला मेन वाला ग्लू वॉल चाहिए ना, तब जाकर आपको कम से कम कटाना तक तो पक्का आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको थॉमसन तक तो आपको पक्का जाना पड़ेगा। अगर कटाना तक जाकर अनलॉक करते हो, तब जाकर आपको ये जो ग्लू वॉल देखने को मिल रहा है, ये ग्लू वॉल आप सभी को मिल जाएगा। बाकी यार देखो किस्मत की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एक बार में भी स्पिन करोगे तो मिल जाएगा। बाकी यार आइटम्स मेरे को अच्छा लगा। और बात कर लेते हैं अनलिमिटेड टोकन्स, तो गाइस अनलिमिटेड टोकन्स और कहाँ से मिलेगा, बस आप स्टोर में से यहाँ पर रैम्पेज हाइपर बुक टोकन्स को बाई कर सकते हो। उसके सिवा इन गेम वगैरह के अंदर आपको टोकन्स वगैरह नहीं मिलने वाली है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस। ओके और ये जो टोकन्स है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर से आप टोकन को अनलॉक कर सकते हो। बाकी ये टोकन्स आपको इन गेम के अंदर मिलेगी डेली, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर वॉल्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं, वॉल्ट वाले ऑप्शन में कलेक्शन में चलते हैं। तो ये वाला हमारा बैकपैक, सॉरी ये हो गया, और ये हमारा गाइज टोकन ऑलरेडी 39 टोकन्स पड़ा हुआ है। और गाइज ग्लू वॉल मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को मस्त ग्लू वॉल लगा, बस मैं ग्लू वॉल के चक्कर में लिया हूँ और कुछ भी नहीं है। बाकी मेरे को तो यार कुछ खास लगा नहीं, बाकी यार देखो ग्लू वॉल मेरे को काफ़ी बेटर लगा। बाकी आप ज़रूर बताना दोस्तों आपने इसमें किया है ना, और अगर आपको चाहिए तो ग्लू वॉल अगर चाहिए दोस्तों तो आपको मैं बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 850 डायमंड लगाओगे ना, 800 डायमंड तो आपको ग्लू वॉल का स्किन मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ, 800 डायमंड लगाओगे तो ग्लू वॉल का स्किन मिल जाएगा। और आपको आइटम वाले सेक्शन से आपको यहाँ पर परचेज नहीं करना है 10-10 करके, आपको क्रिएट्स वाले ऑप्शन से आपको क्रिएट्स बाई करना है दोस्तों, जिससे कि आपका प्रॉफिट होगा, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों। कि ना जब भी क्रिएट्स बाई करना, तो आपको 13 क्रिएट्स बाई करना है, 12 क्रिएट्स मत बाई करना दोस्तों,
क्योंकि यहाँ पर गरेना जो है 12 क्रेडिट्स पर ला कर रोक देता है, तो आपको 13 क्रेडिट्स बाई करना है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। ओके, तो बस यही बताना था दोस्तों, और कुछ भी नहीं। बाकी यार देखो आपकी मर्जी है, अगर लगाना चाहते हो डायमंड लगाओ, बट मैं सजेस्ट करूँगा गाइज मत ही डायमंड लगाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जिसमें आपको एनिमेशन ग्लोबल इमोट वगैरह देखने को मिल जाएगी। बाकी मेरा काम था दिखाना, इसलिए मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर दे दिया। बाकी यार चैनल पर नए होंगे यार तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर दोस्तों। यार सब्सक्राइब कर देना यार, और पूरा अनलॉक करने के लिए आपको 4000 डायमंड लगने वाले। ओके, तो थैंक यू, लव यू गाइज।